जिन, आप अभी अपना कोई सा भी किताब लो, कोई सा भी किताब, उसमें आप ये देखोगे कि जो लाइन्स हैं वो थोड़ी जगह छोड़ के शुरू होती है, मतलब इतना सा गैप होता है और फिर जानकारी आती है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये लाइन्स किस लिए छोड़ा जाता है? क्योंकि जनरली तो आप ये जानते ही होंगे कि हमें पेपर का पूरा इस्तेमाल करना चाहिए, ज्यादा खाली जगह नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि पेपर पेड़ से ही बनते हैं और हम सबको पेड़ को बचाना चाहिए और कागज का वेस्ट नहीं करना चाहिए। पर हर किताब में इतने गैप के बाद ही टेक्स्ट क्यों शुरू होता है? बहुत लोग कहेंगे कि इसमें क्या अजीब बात है, प्रिंटिंग का ये सिंपल स्टाइल है। पर नहीं दोस्त, हर चीज के पीछे कारण होता है। असल में इसका उत्तर जानने के लिए उस समय चलो जब ना कंप्यूटर था और ना ही मोबाइल था। जानकारी को सिर्फ कागज पर ही जमा किया जा सकता था, पर दिक्कत ये है कि चूहे, जी हाँ वही चूहे, किताबों को काट कर जानकारी को निगल लेते थे और इसलिए उस समय गैप देने का स्टाइल शुरू हुआ, ताकि अगर चूहे आकर काटना शुरू भी करें तो जानकारी लॉस्ट ना हो, क्योंकि वो किनारे वाले हिस्से